Hi friends, myself Dr. A.D. Khilji, Director of Gastro Care Hospital, Kota, Rajasthan. Well, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में फेस करते हैं एंड दैट इज एसिडिटी और रिफ्लक्स. टेक्निकली इसको हम लोग GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. बेसिकली वॉट इज GERD? GERD होता क्या है? इसमें जो आम लक्षण है, सबसे कॉमन लक्षण होता है छाती में जलन होना, जिसको कि रिफ्लक्स बोलते हैं. जब एसिड ऊपर उछाल मारता है खाने की नली में तो जलन मचती है यहाँ पे. और इसके अलावा कई बार इसमें उल्टी भी हो जाती है, नाक से पानी बाहर आता है और पेशेंट को सोने में भी दिक्कत होती है. जैसे पेशेंट लेटता है उसको ये सब लक्षण बढ़ जाते हैं, ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं. सो दिस इज नोन एज GERD. ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण इसमें एक है, एक चीज होती है एक डिफेक्ट होता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं हाइटल हर्निया. जब हाइटल हर्निया होता है तो पेट का थोड़ा सा पार्ट उठ के खाने की अलग चेस्ट के अंदर आ जाता है. नॉर्मली स्टोमक जो होता है आमाशय, मैं एक बार आपको जस्ट ब्रीफ कर दूं, जो स्टोमक होता है नीचे होता है यहाँ पे एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, एंड जो ईसोफेगस है पूरा चेस्ट के अंदर होता है, यानी कि थोरैक्स वाले पार्ट में. बट जब भी हाइटल हर्निया होता है तो स्टोमक थोड़ा सा ऊपर की तरफ चेस्ट में आ जाता है. और इसकी वजह से जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ईसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन का, जिसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या GE जंक्शन, वो डिस्टर्ब हो जाता है. नॉर्मली जब भी कोई व्यक्ति कुछ खाता है वो खाने की नली से होता है वो पेट में जाता है और वो वॉल्व थोड़ी देर के लिए खुलता है. ये वॉल्व होता है लोअर ईसोफेगस पे, यानी कि GE जंक्शन पे. वो ट्रांजिएंटली खुलता है, ट्रांजिएंटली खाना अंदर जाता है और वापस बंद हो जाता है. बट जब हाइटस हर्निया होता है तो ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो भी खाना अंदर जाता है वापस ऊपर उछाल मारता है, बिकॉज स्फिंक्टर दोबारा प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता. और इसी के साथ कई बार एसिड भी ऊपर उछाल मारता है और फिर GERD के लक्षण आते हैं. तो ये बहुत ही वन ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर GERD. इसको मेडिकली और सर्जिकली दोनों तरह से ठीक किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ खान पान की चीजें ऐसी होती है जिससे कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और फिर एसिडिटी बढ़ती है और रिफ्लक्स बढ़ता है. जैसे फास्ट फूड है, घी, तेल, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एंड मेनी मोर. सो ये सब चीजें डाइटरी हैबिट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस टाइप की आप डाइट ले रहे हैं जिससे कि स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है तो रिफ्लक्स यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी. इसके अलावा अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है और रिफ्लक्स बढ़ता है. इवन नॉर्मली जब प्रेगनेंसी में जब एब्डोमेन लेडी का बढ़ता है तो भी रिफ्लक्स बढ़ जाता है. सो दैट इज ए नॉर्मल रिफ्लक्स, ट्रांजिएंट रिफ्लक्स दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी. बट अगर कोई ओबीज है तो परमानेंटली उसका पेट मोटा है, प्रेशर इंट्रा थोरेसिक प्रेशर ज्यादा है और रिफ्लक्स रहता है. तो ये कुछ मोटे मोटे कारण थे जिसकी वजह से रिफ्लक्स होता है. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन. जी हाँ, मोर देन 50% काम आपका लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन से हो जाएगा. आई मीन से अगर आप ओबीस हैं तो वजन कम करिए, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद करिए या कम करिए. ऐसी चीजें जिससे कि एसिडिटी बढ़ती है उसको अवॉइड करिए. फ्रीक्वेंट मील्स नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है. रात में खाना टाइम पे खाएं और टाइम पे सोएं. देखा गया है कि जो लोग लेट नाइट में खाना खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं उनको रिफ्लक्स ज्यादा होता है. तो इफ यू आर गोइंग टू स्लीप बाय 10 o'clock, तो आप एटलीस्ट 8 बजे खाना, दो घंटे का गैप दें, 8 बजे खाना खा लीजिए. और रात में सोते वक्त अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो सिराना थोड़ा ऊंचा कर लें. जब आपके जो पलंग है उसके सिराने को थोड़ा ऊपर कर लें, थोड़ा इंक्लाइन कर लें, तो रिफ्लक्स कम हो जाएगा. और इसके अलावा खान पान का ध्यान आपको रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है. ये रही बात लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन की. फिर अपन बात करते हैं मेडिकेशन की. इसमें हम लोग यूज करते हैं जो मॉलिक्यूल वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स. इसको हम लोग ग्रेजुअली एस्केलेट करते हैं. यूजली इसको मॉर्निंग में दिया जाता है, साथ में कई बार डॉम्पेरोन के कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है और साथ में एंटासिड्स देते हैं, मीकेन जेल, जेल्यूसिल, एमपीएस एंड सो ऑन. सो देयर आर मेनी एंटासिड्स इन द मार्केट व्हिच आर गिवन टू सप्रेस दिस एसिडिटी. थर्डली कई बार पेशेंट को अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो हम स्पेशल प्रोकाइनेटिक्स भी देते हैं, जिसमें इटोप्राइड, सीजाप्राइड एंड सो ऑन. ये रही बात मेडिकल थेरेपी की. एंड ऑफ कोर्स योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. फिर हम बात करते हैं कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स की या फिर सर्जरीज की, जो बहुत ही सीवियर केसेस में किए जाते हैं. यदि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, वजन कम करने से और मेडिसिन से इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, देन वी गो फॉर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर और लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन प्रोसीजर, जो कि बहुत रेयर केसेस में हम लोग करते हैं. या बट दे आर इफेक्टिव एंड देयर दोज आर द लास्ट रिसोर्ट. सो दिस वॉज जस्ट इन शॉर्ट एंड स्वीट अबाउट GERD और रिफ्लक्स एंड एसिडिटी. How does they happen? वो कैसे होते हैं? How to prevent them? उनको कैसे रोका जाए? And what are the main treatment modalities? उनको कैसे ठीक किया जाता है? Thank you. जय हिंद.